हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ईज माई ट्रिप के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 5 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट में। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ईज माई ट्रिप में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 1.65% का नेगेटिव मूव, 41.60 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला, कैंडल मीडियम साइज की ने दोनों के साइड में बारीक बारीक विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की अगर मैं बात करूँ तो आरएसआई हमारा अराउंड 36-37 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड है। अपसाइड मूव जो हमें सबसे पहले अराउंड 41.9 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हैं तो मूवमेंट हमें इजीली जो 42.9 तक आते देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फर्म होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेवल्स जाने तो रिसेंटली हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था, वहां पे आपको बताया था। अगर आपको जानना है जरूर उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी मार्क्ड है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें एज सच कोई ज्यादा मार्किंग करने की जरूरत है, डिफरेंट डेटा है उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्लोजिंग की, 41.50 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 41.40 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 41.75 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहां पे हमने आपको हर एक चीज समझाई। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूं। तो डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 41 का, उसके बाद का 40.50 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 42.40 का, उसके बाद का 43.05 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है, एक गैप डाउन ओपनिंग हमें जरूर देखने मिलेगी, लेकिन रिवर्स में स्टॉक जो है 41.40 से लेकर 41.75 के रेंज में यानी कि नो ट्रेडिंग एरिया के जोन में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिले। ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर वॉल्यूम सेलिंग का बड़ा तो स्टॉक और नीचे जाते हुए देखने हमें मिल सकता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।